शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब आप ही बताएं मौसी, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें अपनी बचपन की सहेली मधु से मिल लेना चाहिए। मधु? लेकिन वो तो बैंगलोर में अपने पति के साथ। नहीं, वो वापस अनाथ आश्रम आ गई है हमेशा के लिए। बैंगलोर स्टेशन पर भटकते हुए किसी ने इसे देखा, हमें रिपोर्ट की, हम जाकर इसे अनाथ आश्रम ले आए। लेकिन इसका पति, इसके ससुराल वाले? छोड़ दिया इसके पति ने इसे किसी और लड़की की खातिर। डॉक्टर कहते हैं ये पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। इसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। जाहिर है तुम किसी के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो और वो अचानक आकर तुम्हें कह दे कि हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सुनकर कोई भी बावरा हो सकता है, तुम भी, राज भी। इसे ले जाओ। तुम शादी से इनकार करना चाहती हो, लेकिन जानते हो इसका असर क्या होगा? ये सदमा राज सह सकेगा? तुम चाहती हो कि राज की भी हालत वही हो जाए जो आज मधु की है? वो भी पागलों की तरह तुम्हारी याद में पल पल मरता रहे। प्रिया, मैं मानती हूँ तुम्हारे प्यार में ही तुम्हारी खुशी है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि राज की खुशियों के खातिर अपना प्यार कुर्बान कर देना ये तुम्हारा फर्ज है? अब फैसला तुम्हें करना होगा। तुम प्यार निभाना चाहती हो या अपना कर्तव्य? एक बात याद रखना बेटी, तुमने राज को ठुकरा दिया तो आज के बाद कोई शरीफ लड़का किसी अनाथ आश्रम की लड़की का हाथ थामने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं करेगा। प्रिय देव, मुझे माफ कर देना, क्योंकि वादे के अनुसार मैं 14 फरवरी को गेटवे पर तुमसे मिले नहीं आ सकूंगी। ये मत समझना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, लेकिन मैं राज के एहसानों को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। एक लड़की के लिए उसका पति ही भगवान होता है, लेकिन मैं अपने भगवान को अपना पति बनाने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? मैंने तेरी औरत बेच दी 50,000 में। अच्छा, और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? अरे उसको भी बेच डालूंगा, वो छमिया के तो पूरे 1,00,000 रुपया लूंगा। बेशरम, बेहया मर्द, दलाल कहीं का। ये थप्पड़ का को मार दिए? अरे तेरे जैसा आदमी का तो खोपड़ी तोड़ के खोपड़ा पाक बना देना चाहिए। को 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 खोपड़ा खोपड़ा पाक। फिर तूने औरत को भेजा तो मैं तेरी बकरी सी तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? नखो जाए तारू, बदमाश, चल शेरू, इन्हें मरवा दे। तेरी तो हंस गए। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा। अरे दोस्त, ऐसे क्या देख रहे हो? औरत बेच दी मतलब औरत की तस्वीर बेच दी। तस्वीर मतलब कि तुम चित्रकार हो? हाँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? पैसे कमा रहा हूँ। रात भर घर पे पेंटिंग बनाता हूँ और दिन भर यहाँ होर्डिंग। सोते कब हो? अब तक तो सो ही रहा था दोस्त, लेकिन अब जाग गया हूँ। या तो तुम पागल हो या तो फिर प्रेमी हो। दोनों हूँ, पागल, प्रेमी।
अब बात समझ में आई। राज, तुम यहाँ इतनी सवेरे, इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, ठीक वक्त पर। आओ यहाँ बैठो। प्रिया, अगले दो दिनों में हम पति पत्नी बन जाएंगे। विल बी मैरिड टू ईच अदर। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात छुपी ना रहे जो बाद में पता चलने पर हमें से किसी एक को तकलीफ पहुंचाए। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। तुम जब सिंगापुर गई थी तो लंदन के एक सेमिनार में मेरी मुलाकात माया से हुई। पहले ही मुलाकात में हम दोस्त बन गए और देखते ही देखते दोस्ती का प्यार में बदली, इसका हमें पता नहीं चला। और जब एहसास हुआ तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने कहा मेरी तुमसे शादी होने वाली, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। यह बात सुनकर माया का दिल टूट गया। लेकिन प्रिया, मैंने जो किया ठीक किया ना? नहीं राज, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए, अपना प्यार निभाना चाहिए राज, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो फिर देव के प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करने क्यों जा रही थी तुम? थैंक गॉड देव अब इस पते पे नहीं रहता, और तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ ये खत मेरे हाथ आ गया। वरना पागल हो गई तुम प्रिया? जिस आदमी ने तुम्हारे प्यार की खातिर सारी दुनिया को छोड़ दिया तुमने उसे कह दिया कि वो तुम्हें भूल जाए? किस लिए प्रिया, किस लिए? व्हाई? सिर्फ इसलिए कि तुम ये समझती कि मैंने तुम पर कुछ एहसान किए? आई एम सॉरी प्रिया, आई एम सॉरी। भले ही तुमने मुझे भगवान का दर्जा दिया हो मगर असल में तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती। नहीं राज, नहीं। मैं क्या? नहीं मैं क्या प्रिया, दोस्त कभी दोस्त पर एहसान नहीं करते। ये एकेडमी, ये घर, ये सब अपनी काबिलियत के बल पर तुमने खुद बनाया। इसे एहसान समझकर तुमने अपमान किया अपने हुनर का, कला का और हमारी दोस्ती का भी। फिर भी अगर दुनिया तुमसे कहे कि तुम एहसानों तले दबी हो तो भी तुम्हारी मंजिल सिर्फ देवी है, क्योंकि प्यार से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता। 14 फरवरी, राइट? 14 फरवरी को तुम देव से मिलने जाओगी, जरूर जाओगी, और यहीं से उठेगी तुम्हारी डोली। राज, तुम्हारा एहसान ये देख, तेरा अपना, अपनी कमाई से खरीदा हुआ घर। इट्स अनबिलीवेबल यार, इट्स अनबिलीवेबल। आज मैं मान गया दोस्त कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसलिए तो सरजी को हमने आशिक आजम का खिताब दिया है। सरजी पहचाना नहीं? मुंटी भी एलडी श्रीवास्तव, इंटरव्यू वो सिंघानी का घूसा, पहचाना पहचाना? अभी पहचाना। सर जी, सर जी, एक इंटरव्यू चाहिए आपसे। देखिए, मुझे ये सब नहीं करना है। नहीं सर, प्लीज प्लीज नहीं मत कहिए सर जी। देखिए देखिए, दुनिया के सारे आशिक मजनू आपको अपना आदर्श मानते हैं। कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या होता है? अरे भाई, उसका मतलब ये है कि आशिकों की ईद, दिवाली, क्रिसमस। सर, इस शुभ दिन पर अगर आप छोटा सा संदेश दे देंगे ना तो सब लोग खुश हो जाएंगे। सर सर जी, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। बोलना तू। Sorry. देव दे देना इंटरव्यू, तू नहीं बोलेगा तो ये तो बोलता ही रहेगा। सर जी,
चलिए जो पूछना जल्दी पूछिए। देखिए, ओ सॉरी, देखिए जब लाल बत्ती जल रही हो ना तो समझिए कैमरा ऑन है। लाल बत्ती जल रही है। ओ हाँ, लाल बत्ती, थैंक यू। दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे के ईव पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के मशहूर दिलफे कैसेनोवा टर्न सिंसियर आशिक मिस्टर देवकरण सिंह से। मिस्टर देव, इन 6 महीनों में आपने अपने सपने सच कर दिखाए हैं, अब आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? कलम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में बेशुमार खुशियां लेकर आए, गम का साया भी हमसे दूर रहे, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। और अब मिस्टर देव, आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली उस खुशकिस्मत लड़की का नाम तो बताइए। उस मासूम सी लड़की का नाम है प्रिया। I love you, Priya. I love you. I love you too, Dev. हाँ, टीचर ने I love you बोला। तो क्या हुआ, मेरे पापा भी तो रोज I love you बोलते। तेरी मम्मी को? नहीं, मेरी बाजू वाली आंटी को। ए! टीचर, ये love क्या होता है? अरे, जब 16 साल की लड़की को 17 साल के लड़के को देखकर कुछ कुछ होता है, उसे लव कहते हैं। टीचर टीचर, मुझे भी 17 साल का बना दो ना, फिर मुझे भी लव करना है। किसे? दक्षिण से। क्यों? क्योंकि ना वो धक धक मास करती है। अरे चुप, धक धक तो टीचर का दिल कर रहा है, कल टीचर का वंडरफुल दिन है ना टीचर? हाँ बच्चों, कल मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है, क्योंकि कल मैं अपने देव से मिलने जा रही हूँ। 14th Feb, here I come।